किसी महापुरुष ने ना सच ही कहा है कि अगर अपने प्रतिभा को आप सबके सामने रखने की अगर कोशिश करते हैं, सही डायरेक्शन में एक उद्देश्य को पाने के लिए अगर आप जाते हैं ना, तो सबसे पहले है ना अपनी प्रतिभा को निखारना पड़ता है, खुद की नजरों में भी निखारना पड़ता है और दुनिया की नजरों में उसको रखना होता है। अगर आप खुद की नजरों में उसको नहीं रख पा रहे, आज के युवा दोस्तों सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं, वो अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने से डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें वो शर्म महसूस कर रहे हैं उन छोटी छोटी चीजों से जो छोटे छोटे टैलेंट उनके अंदर भरे हुए हैं। दोस्तों एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये पाया गया था कि 82% जो लोग होते हैं ना उनके अंदर टैलेंट तो होता है, लेकिन वो उस टैलेंट को गलत प्लेटफॉर्म पे है ना प्रदर्शित कर पाते हैं, और यही नतीजा होता है कि वो कुछ भी है ना परिणाम हासिल नहीं हो पाते। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि अगर गलत रास्ते में की गई मेहनत कभी सफल हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर अपन सही रास्ते में, सही दिशा में अपनी सही ऊर्जा को अगर लगाएंगे तो ही कुछ परिणाम निकल सकते हैं, वरना इसके अलावा कुछ परिणाम नहीं निकल सकते। कोका कोला कंपनी का नाम तो सुना होगा ना दोस्तों, जब स्टार्टिंग हुई थी ना तो कोका कोला की जो स्टार्टिंग शुरू में थी ना, शुरू के दिन है ना 20 बोतलें या 25 बोतलें बिकी थी। अब सोच सकते हो आपकी आज इतनी बड़ी ब्रांड, उस टाइम पे हालत थी। दोस्तों स्टार्टिंग में है ना छोटी छोटी चीजों से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप है ना शुरू कहां से करते हो लेकिन एंड कहां करते हो, ये बहुत मायने रखता है। एंड में देख लो आज एक ब्रांड बन चुकी है। दोस्तों होता यही है, आप ये जो यारी दोस्ती गली मोहल्ले नुक्कड़ इन पे जो अपनी प्रतिभा को शो करने जा रहे हो ना यार, इनके जहाँ अपना रुतबा दिखाना चाह रहे हो, ये वो जगह नहीं है। आप सही प्लेटफॉर्म तलाशोगे तो कुछ उस प्रतिभा का मतलब निकलेगा, वरना आपके अंदर कितनी ही बड़ी हुनर टैलेंट क्यों ना भरा हो वो किसी काम का नहीं है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में, और यार चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिया करो, सपोर्ट बनाए रखो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मोटिवेशन।